नमस्कार। आज इस मंच पर मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ूंगा। मेरे सामने है मेरा संकलन त्रिपद, इसे आप देख सकेंगे। इसमें तीन कवियों की कविताएं हैं, जिसका संपादन श्री ब्रज श्रीवास्तव जी ने किया है। मैं उसी किताब से कुछ कविताएं पढ़ता हूं और फिर मैं कुछ और अपनी कविताएं पढ़ूंगा। पहली कविता का शीर्षक है बारिश में कशक। कई सालों से परेशान था वह, अब की बारिश के पहले ही कच्चे मकान पर खपरेल की जगह डाल ली है टीन की रंगीन सीट। अब 56 फुट भी बारिश हो नहीं सताएगा छत के चूने का डर उसे। आसान नहीं था यह काम, कुछ पैसा उधार लिया महाजन से, ठेकेदार से की कुछ बेईमानी, पत्नी बच्चों ने जोड़े थे कुछ पैसे, सब मिला जुला कर किसी तरह डाल ही ली टीन की रंगीन सीट घर की छत पर। अब दूर से देखता है वह अपना घर तो गांव में सबसे अलग और सुंदर दिखाई देता है, और जब बारिश की बूंदें इस पर गिरती हैं टप टप टपाटप, तो एक संगीत सा बजता है उसके भीतर। वह कहता है अगली बारिश में उस छप्पर पर भी डाल देगा टीन की सीट जिसमें जानवर रहते हैं। बारिश में भीगते हुए जब वे बोलने लगते हैं रात बिरात, तो अनायास ही नींद उछट जाती है। वह फिर कहता है आज अगर माँ पिता होते तो कितना खुश होते अपने कच्चे घर की छत को चूता न देखकर। वह कहता है सब कुछ होते हुए भी एक कसक रही गई मन में अब की बारिश में। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है धान। भीखू को मालूम है कैसे जेठ के दिनों में ही जोत कर खर पतवार बीन बटोर खेत की मिट्टी को रबड़ी सा मुलायम बनाकर कर लिया था तैयार। एक दिन तो जोतते हुए बीच खेत में ही चक्कर खाकर गिर गया था उसका एक बैल। पहली बारिश के गिरते ही बीज का 1.5 गुना लौटाने की शर्त पर बोने के लिए मांग लाया था महाजन से बीज। कलेजा मुंह को आ जाता जब पानी की कमी से सूखने लगा था धान का खेत, तब कहीं बिनती भाव करके उधारी पर पड़ोसी के पंप से सिंचाई करवाया था। लोग जो उसके लहलहाते धान के खेत को देखकर चकित हो जाते हैं, वे धान को उपजाने के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरी एक दोस्त। मेरी एक दोस्त थी बचपन में, वह और मैं पक्के दोस्त थे। इतने पक्के कि वह सबके साथ तभी खेलती जब उस खेल में मैं शामिल होता। मुझसे उसकी यह शिकायत बनी रही कि लुका छिपी खेलते हुए मैं सबको और उसे भी छिपते हुए कनखियों से देखता रहता। इस बात को लेकर वह कई बार झगड़ा कर बैठती, कुछ दिन नहीं आती खेलने छुपन छुपाई, पर फिर जब आती तो हम देर तक खेलते। मैं अपने आदत से मजबूर था, मैंने नहीं छोड़ा सबको छिपते हुए कनखी से देखते रहना। मुझे नहीं मालूम था मेरी इसी आदत से नाराज हो एक दिन वह चली जाएगी छिपने के लिए ऐसी जगह जहां तक मेरी नजर कभी जा ही नहीं सकती। अगली कविता मैं अपने दूसरे संग्रह से भी पढ़ूंगा।
आप सबके सामने। अगली कविता का शीर्षक है पुराने पत्र। अब नहीं आते कोई पत्र जैसे कि आते थे पहले। कल खोजते हुए घर की रजिस्ट्री वाले कागजों में मिल गए कुछ पुराने पत्र। सारे पत्र सिल गए हैं, चिपक गई है उन पर समय के परतों की धूल। लिखावट पड़ गई है धूमिल, पर यादों में गहरे उतरे हैं ये पत्र। उन्हें देखकर उनमें लिखे मजमून तैरने लगे हैं आंखों में दृश्य बनकर। एक पत्र लिखा है पिता ने माँ को। वे लिखते हैं कि अफसर से झगड़े के कारण इस माह भी नहीं मिल पाई तनख्वाह। तुम देख लेना, किराने वाले से कह देना, पिछले महीने सहित अगले माह जोड़कर पाई पाई कर देंगे चुकता। लड़कों की फीस और माँ दवाई के लिए जो भी सोना चांदी का कोई जेवर रख देना, सोनार के यहाँ गिरवी अगले माह तनख्वाह मिलते ही छुड़ा लेते। एक पत्र है मामा का जिसमें लिखा है कि इस रक्षाबंधन पर आ जाते सब यहाँ। याद है माँ ने बच्चों की पढ़ाई तथा खेत बाड़ी के काम का बहाना करके ना आने के संबंध में पत्र लिख दिया था लौटती डांट से। एक पत्र दिखा वकील का भी जिसमें पिता को चेतावनी है कि शीघ्रता से आकर फीस जमा करें, अन्यथा केस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी वकील की। हाँ, मुझे खूब याद है एक पत्र को पाते ही बड़ी दीदी ने फाड़ दिया था। गांव से भेजा था बड़े पापा ने कि नहीं रहे बड़े भैया, टीवी ने उन्हें निगल लिया था। 22 साल की उम्र में पूरे घर में पसरा रहा सन्नाटा कई दिनों तक। एक पत्र दीदिया का रिश्ता पक्का होने का भी है जिसमें रख कर आया था बड़े जीजा का पोस्ट कार्ड साइज फोटो। माँ उस फोटो और पत्र को दिखा आई थी मोहल्ले में सभी को। एक पत्र चाचा का है, लिखा था उन्होंने ही बड़का बात उन्होंने एक पत्र चाचा का है लिखा था उन्होंने कि बड़का बांध टूट गया है, बाढ़ में डूब गया है सारा गांव। लगता दो भैंस तीन गाय के साथ पाड़ा बछिया सब बह गए हैं। घर में आदमी के डूबने भर पानी भरा है। पूरा गांव सरकारी तंबू में ठहरा है। यहां जान माल का खतरा है, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, बाढ़ उतरने पर देखा जाएगा। एक पत्र अपने तबादले के संबंध में पिता ने लिखा है मंत्री जी को। संपादक जी का एक पत्र जी का है जिसमें मेरी कविता के छपने की खबर है। पुराने पत्र में बीता हुआ समय बैठा है एक रंगसाज की तरह, और पुराने पत्र लग रहे हैं बीते हुए समय की रंगशाला के फीके पड़ते विविध दृश्य की तरह। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पिता। पिता का होना होता है जीवन के अंधेरे में साथ होना, उस दिए सा जिसकी रोशनी में तय की जाती है एक लंबी दूरी। पिता का होना होना है उस छेनी हथौड़ी का जिससे चुनौतियों की ऊंची सख्त और अभेद चट्टान को काट कर बनाई जाती है राह। पिता होते हैं वह स्लेट जिस पर पहली बार लिखना सीखा जाता है जीवन का क ख ग। पिता का होना उस पेड़ की धरती होना है जहां बैठकर उतारी जाती देह की सारी थकन। पिता का होना लहरों पर तैरती उस नाव सा होना है जिससे उतरा जाता है इस पार से उस पार
पिता के होने जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है इस संसार में। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हाशिए पर पड़े लोग। जिन लोगों ने तैयार की सड़कें, कम हुई दूरियां आपस की, जा पहुंचे दुर्गम से दुर्गम पहाड़ों पर, दुर्गम से दुर्गम जगहों पर, तेजी से सरपट दौड़कर जुटाने में लगे धन दौलत माल अशबाब। जिन लोगों ने तैयार किए महले दुमहले भव्य शहर बाजार कस्बा, जिन लोगों ने खड़े किए बड़े कारखाने, बुने कपड़े, बनाई कितनी रोजमर्रा की वस्तुएं, बच्चों के लिए खेल खिलौने, काट कर तैयार किए खेत खलिहान, खोद कर बनाए ताल तलैया नहर बावड़ी, जिस पर खड़े किए राज्य साम्राज्य, रचे गए आख्यान व्याख्यान, इतिहास समाज शास्त्र अर्थशास्त्र राजनीति दुनिया का ज्ञान विज्ञान, जिन लोगों के खून पसीने से लहलहाती रही हमारी दुनिया, ये लोग हाशिए पर पड़े हैं। आज जब हम निकल आए हैं इतने आगे, वे लोग भुखमरी गरीबी अत्याचार और हमारी क्रूरता के पंख में धसे हैं कमर तक। जरा मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमने इतने सालों में लफाजी के सिवाय कुछ नहीं किया। मैं अपनी अगली कविता और संभवतः अंतिम कविता के रूप में पढ़ूंगा उसकी हंसी। वह कई घंटों कच्चे पक्के रास्तों से चलकर सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए पहुंची है हमारी इस बस्ती में, अपनी मांगी हुई कीमत से थोड़ा घट बढ़ पर बिक चुकी है उसकी लकड़ी। लकड़ी बेचकर पाई रकम को अपने आंचल के खूंट से बांधते हुए वह हंस रही है। वह क्यों हंस रही है, जबकि उसकी हंसी नहीं है मोनालिसा की हंसी, ना ही इतिहास में किसी मठ या मंदिर या राजप्रसाद की भित्ति पर किसी नर्तकी की हंसी से भी नहीं मिलती है उसकी हंसी। फिलहाल वह खुश दिखी अपनी लकड़ी बेचने से पाई रकम को देखकर। हाँ, यहाँ यह देखना जरूरी है कि क्या ऐसे ही खुश होता है कोई व्यापारी अपनी चीजों को अनाप शनाप कीमत पर बेचकर, अपने रुपयों के बक्सों में रखते हुए कोई रकम। क्या इसी तरह खुश होता है कोई ठेकेदार बनाते हुए कोई इमारत, रेत बालू सीमेंट लोहा मजदूरी से पैसा बचाकर रखते हुए अपने बैंक खाते में। क्या कोई डॉक्टर कोई दरोगा सरकारी मुलाजिम अफसर हाकिम भी पाते हुए कहीं से कुछ बचाकर रखते हुए कुछ इसी तरह होते हैं खुश। अमीर घरों की स्त्रियां भी अपने चोरी के पैसे रखते हुए जतन से क्या ऐसे ही होती हैं खुश जैसे कि वह लकड़ी बेचने वाली। कोई हत्यारा आतताई चोर दलाल उचक्का कोई ठग पंडा पुजारी सूदखोर भी होता होगा इसी तरह खुश पाकर कोई रकम। उस लकड़ी बेचने वाली स्त्री की देह निश्चित ही लौट गई है खुशी खुशी, पर उसकी हंसी रुक कर रह गई है अभी भी वहीं, पलट कर पूछती सी कि इस अर्थगणित में उसका हिस्सा हर बार इतना सा ही क्यों आता है। एक ये लगभग अंतिम कविता मैं पढ़ूंगा और इसका शीर्षक है मेरी लालसा। मेरी लालसा में एक ऐसी स्त्री है, मेरी लालसा में एक ऐसी स्त्री है जो मगन रहती है खराब को अप्रिय को मैले कुचैले को स्वच्छ सुंदर बनाने। दया करुणा ममता प्रेम जो फैले हैं मेरे आसपास,
बहुत वजनदार हैं इनके मायने, पर अभी देखता हूँ ये सारे शब्द खोते जा रहे हैं अपनी चमक, अपना रस, अपनी मिठास। मेरे भीतर बसी स्त्री चाहती है इन शब्दों को उधेड़ कर फिर से बुन देना। वह चाहती है निकाल डाले बाहर, इनमें मिल गए कंकड़ पत्थर। ये शब्द जगह से उखड़ चुके हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं इनके अंदर। वह चाहती है एक दिन लीप पोत कर इन्हें कर देना चिकना और समतल। वह चाहती है धो डालना इन्हें मल मल कर, ले जाकर किसी नदी पोखर के घाट पर और डाल देना सूखने के लिए धूप में। वह इन शब्दों की करीब जमा के करीब जमा धूल कूड़ा कचड़े को बुहार कर डाल आना चाहती है किसी कचड़े के डिब्बे में। मेरी लालसा रोज खोलती है अपने पंख, चाहती है रखना इन्हें फालतू शब्दों के ढेर के बाहर। वह चाहती है टांक देना इनके कमीज के टूटे हुए बटन, तुरुक देना उभरी सिवन को। मेरी लालसा में बसी स्त्री की लालसा में भी जैसे मैं ही हूँ। तो ये थी मेरी कविताएं। नमस्कार आप सबका और बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच का मुझे अपने इस महत्वपूर्ण मंच पर एक मंच पर बुलाकर अपनी कविता के पाठ करने के लिए। धन्यवाद आप सब। नमस्कार।